तो गोली मारी गई है, ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विष्णु टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? तस्वीरों में तो देख सकते हैं पुलिस जो है पहुंच चुकी है, हालत कैसी है ये बताइएगा सुखदेव सिंह की। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट यह है कि सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की जो है अब मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि जो है कर दी गई है। सूचना यह आ रही है कि सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को हमलावरों ने 4 गोलियां मारी, जिसके बाद उनकी मौत होने की खबर आ रही है। गोगा मेड़ी को गंभीर हालत में मैटोमोस हॉस्पिटल लाया गया था, जहां गोगा मेड़ी की मौत की खबर अब आ रही है और लगभग डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि कर दी है। उनके जो जो समाज के जो पदाधिकारी हैं उनका भी कहना है कि राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जो पदाधिकारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी, उनकी मौत दम तोड़ दिया, काफी गंभीर हालत में लाया गया था हॉस्पिटल और 4 गोलियां सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को मारी गई। 4 हमलावर, 3 हमलावर स्कॉर्पियो कार में सवार होकर के श्यामनगर स्थित गोगा मेड़ी घर में आए थे। उसके बाद में उनसे मिलने के बहाने तीनों हमलावर इस गोगा मेड़ी के घर में घुसे। उसके बाद गोगा मेड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 4 गोलियां सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को लगी। और उसके बाद वही बताया जा रहा है कि हमले में जो सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के जो निजी जो अंगरक्षक थे, जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके भी एक गोली लगी है। और जो गनमैन था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसको इस वक्त वही खातीपुरा में एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और काफी संख्या में जो लोग हैं मैटोमोस हॉस्पिटल में इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर। जी, ये बड़ी खबर आप पहुंचा रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपने दर्शकों को भी ये बात बता दें, इससे पहले भी हमारी बात जब अजीत सिंह से हुई थी, उन्होंने भी कहा था आरोप लगाते हुए कि गोली मारी गई है और अब करनी सेना जो है बड़ा स्टेप ले सकती है। विष्णु, ये बताइएगा निजी गार्ड की हालत अभी कैसी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है विष्णु की अभी जो आरोपी है अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन उनकी शक्ल हो सकता है कि निजी गार्ड ने देखी होगी, सिक्योरिटी गार्ड। बिल्कुल, देखिए फुटेज बहुत कुछ जांच खोलेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर लगे हुए थे, आसपास लगे हुए थे। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को चूंकि लगातार थ्रेड मिल रही थी, करीब 1.5-2 साल से उसको थ्रेड, ऐसे में उसने खुद ने भी अपने अपने घर पर कैमरे लगाए हुए थे, तो कैमरे जो सारे जांच खोल देंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट वही है कि हमलावर स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर के आए थे, वहीं भागते वक्त वे गाड़ी एक स्कूटी लेकर के वहां से भागे। पुलिस ने लगातार पूरे जयपुर शहर में, जिले में नाकाबंदी करवा दी गई है, और नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी स्कूटी का नंबर जो सामने है, उसी स्कूटी के नंबर के आधार पर जयपुर जिले में नाकाबंदी भी करवा दी गई है। यह सबसे बड़ी खबर है। और मिलने के बहाने स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाश सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के श्यामनगर स्थित घर में घुसे थे। हमलावरों ने सबसे पहले अंदर घुसने के बाद में गोगा मेड़ी को जब अकेला देखा तो ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 4 गोलियां घर में घुस करके मारने पर 4 गोलियां आप कह रहे हैं विष्णु, सबसे पहले उन्होंने रेकी की पहले देखा कि वो अकेले हैं, जब उन्होंने अकेले पाया तो उसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इसका मतलब पहले उन्हें नहीं पता था आरोपियों को कि वो अपने घर में अकेले हैं या फिर उनके साथ कोई और भी शख्स मौजूद होगा। विष्णु, देखिए बिल्कुल, रेकी करने के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया, खासतौर पर उस वक्त को चयन किया गया, जबकि चुनाव के दौरान पुलिस की जो थोड़ी एक्टिविटी थी वो थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि पुलिस हाल ही में चुनाव करा के थके, मतलब काफी व्यस्त थी। तो ऐसे में हमलावर ने उस वक्त को चुना, जबकि पुलिस के जो गश्त व्यवस्था थी प्रॉपर नहीं थी। पुलिस कहीं ना कहीं सरकार के चुकी जाने के बाद में थोड़ी जो उसकी जो कार्यशैली थी वो थोड़ी इसमें थोड़ी लचरता आई थी। ऐसे में बदमाशों ने वही वक्त दोपहर का वक्त चुना, जबकि गोगा मेड़ी अकेले थे, घर में अकेले थे, चारों बदमाश मिलने के बहाने घर में घुसते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, चूंकि लगातार 2 साल